यह क्षेत्र बाढ़ से हमेशा प्रभावित होता है। क्या हमारा ज्योग्राफी का विभाग उसका अच्छा अध्ययन करके बता सकता है कि इस बाढ़ के कारण क्या हैं और इसका समाधान का रास्ता हम कैसे निकाल सकते हैं? बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग चैलेंजेज होंगे। क्लाइमेट चेंज उसका एक कारण हो सकता है, हिमालय से आने वाली नदियां दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन बाढ़ केवल हिमालय से आने वाली नदियों में ही नहीं है, अन्य जगहों पर भी है, लेकिन सबकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ज्योग्राफी के तहत उसके छात्र और विभाग बहुत अच्छा अध्ययन करके गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दे सकता है और बदले में गवर्नमेंट उसको फीस देगी उसकी कि हाँ इस कारण से ये बाढ़ आती है, इसका समाधान करने का ये रास्ते निकल सकते हैं। या फिर वहां के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को लेकर के प्राचीन इतिहास विभाग भी अपना कर सकता है, इतनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, क्या क्या हमारे पास है, उस पर एक स्टडी विभागों के स्तर पर हो। केवल अपने रूटीन के पाठ्यक्रम के साथ ही हम ना जुड़े, कुछ नयापन भी करने के लिए हमें तैयार करना होगा। और उस नयापन को करने के लिए ही जब हम नवाचार करते हैं, कोई नयापन लाने का प्रयास करते हैं, लकीर का फकीर से हट करके हम जब कुछ नयापन अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, वही नवाचार है, वही इनोवेशन है। और उस इनोवेशन के साथ जुड़ने के लिए आज प्रयास हुआ है। याद रखना, यूपी आने वाले समय में एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है। एक हम लोगों ने यूपी के अंदर एक प्रयास प्रारंभ किया है, जैसे कि मिस्टर पार्क कह रहे थे यहाँ पे कि आज यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। हम लोगों ने यहाँ पे इस पे ध्यान दिया। मुझे याद है सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी, और इसलिए पहली शर्त होती है सुरक्षा की। सरकार ने इस पर बिना किसी टॉलरेंस के